हमारे क्षेत्र के ही सभी नौजवान बैठे हुए हैं और यह जिस कार्य के लिए बैठे हैं यह कार्य स्टार्ट भी हो चुका है। जिसको टेंडर मिला है वह अपना कैंप लगा चुका है, रोड में काम भी स्टार्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ गड्ढा है वह भरना कल से परसों से चालू हो चुका है। आगे भी यह पूरा रोड जो है भर दिया जाएगा और पूर्णतः काम छठ के बाद ठेकेदार के तरफ से चालू हो जाएगा और लोगों को लगने लगेगा कि एनएच का काम होने लगा। ये लगातार 3 दिन से यहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और प्रथम दिन ही विधायक जी आए, उसके बाद अभी तक नहीं। आज 3रे दिन SDO साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत हुई और बातचीत का कोई नतीजा नहीं, फिर ये कैसे आंदोलन खत्म होगा? हम लोग आज भी इसी उद्देश्य से आए थे और हमारे विधायक जी प्रथम दिन भी आए और आज हम भी जो इस उद्देश्य से आए हैं कि हमारा भी उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र के ही सभी नौजवान बैठे हुए हैं और यह जिस कार्य के लिए बैठे हैं यह कार्य स्टार्ट भी हो चुका है। जिसको टेंडर मिला है वह अपना कैंप लगा चुका है, रोड में काम भी स्टार्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ गड्ढा है वह भरना कल से परसों से चालू हो चुका है। आगे भी यह पूरा रोड जो है भर दिया जाएगा और पूर्णतः काम छठ के बाद ठेकेदार के तरफ से चालू हो जाएगा और लोगों को लगने लगेगा कि NH का काम होने लगा। राजनीति की अगर बात आएगी तो राजनीतिक बात एक अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वह सच्चाई है कि 122B का टेंडर हो गया है, ठेकेदार नियुक्त हो गया है, पैसा अलॉट हो गई है और काम चालू भी कर दिया गया है। जिसका एग्जाम्पल अगर आप तमाम पत्रकार बंधु विद्यापति जाइए तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कैंप लग गया है। लेकिन समस्या है कि बहुत जगह गड्ढा है, सड़क पर जो हमारे भाई बंधु चलते हैं गाड़ी गिर जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए इसको भरना ज़रूरी है। जिसका कार्य हम लोगों ने परसों से करवा दिया है, उधर से भर गया है, 1 से 2 दिन में पूरा भर जाएगा और यह कार्य आपको लगने लगेगा कि रोड पे कहीं गड्ढा नहीं। सच्चाई तो ये है, लेकिन सच्चाई ये भी है ना सर कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं, आप आंदोलनकारी से बात किए होंगे तो इनकी भी यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से इसको गड्ढा को भरा जाए। नहीं, अभी हमने आंदोलनकारी के साथ अपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के साथ गया था कि हमारे क्षेत्र के नौजवान हैं, सजग नौजवान हैं, कि हम इन लोगों का धरना प्रदर्शन तोड़ा दें। हम लोगों ने आश्वासन भी दिया, SDO साहब ने इतना तक कहा कि मैं BDO को डिपुट कर देता हूं, अगर काम आप यहीं से चाहते हैं तो 1 से 1.5 घंटा में उसका सारा ट्रैक्टर और ईटा सब आता है और काम यहां से लगने लगेगा, आप धरना तोड़ दीजिए। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, इसलिए फिर हम लोग वहाँ से चल। सर ये कैसे मानते, क्योंकि प्रथम दिन वो एक ट्रैक्टर विधायक जी बोले कि अभी काम स्टार्ट। नहीं, प्रथम दिन की अगर बात कहिएगा तो प्रथम दिन हम आए हैं और प्रथम दिन के बाद अगर आप काम करने का दिन देख सकते हैं 9 से 4, तो आप विद्यापति बढ़ौना से स्टार्ट कीजिए, मधुदाबाद तक आके देखिए, आपको गड्ढा भरा हुआ मिलेगा, काम चालू होगा। धन्यवाद सर। जैसा राज कपूर सिंह जी BJP के यहाँ के नेता हैं और प्रभारी हैं बेगूसराय के प्रभारी, इन्होंने यह बात कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पर गड्ढा भरने का काम किया जाएगा, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो इस बात को अभी मानने से नहीं मान रहे हैं, लेकिन जल्द ही जल्द यहाँ तक जब काम हो जाएगा तो उनको यह बात मानना पड़ेगा और यहाँ से जाना। बातचीत अभी भी जारी है, आप देख रहे हैं भी, अगर फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पोस्ट को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।